हेलो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नाश्ते के साथ। सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। आज बन रहा है चीज़ गार्लिक पराठा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? तो जैसे पराठों का सीज़न चल रहा है तो मैंने पराठा बना लिया है। मैंने चीज़ को कद्दूकस कर लिया है। इसमें मिलाया है ओरिगानो, काली मिर्च और हल्का सा नमक। आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली डाल सकते हैं, मैंने हल्की सी डाली है, और थोड़ा सा धनिया। ऐसे करके मैंने पराठे को फिल कर लिया है, पराठे को बेल लिया है। ताज़े आटे के पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, फटते नहीं। अभी तवे पर डाल के इसमें हल्का हल्का घी लगा लूँगी। ब्रश से घी लगाने से कम घी लगता है और एकदम स्प्रेड भी हो जाता है। तो पराठे बनाने की ट्रिक में सबसे पहले यही है कि आप ताज़ा आटा गूँधें, नरम मुलायम आटा गूँधें। और ये देखिए, इसको मैंने खोल के आपको दिखाया, चीज़ और गार्लिक सब तरफ स्प्रेड किया हुआ है और बहुत ही अच्छा पराठा बन चुका है। इसको आप चाहें तो दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ भी खाएं। तो एक बार मैं आपको फिर से खोल के दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो मैं खा रही हूँ आज इसको अचार के साथ। जैसे कि आज गुरुवार है तो मेरी थी दोपहर में लाइव। मैंने बनाया था मटर पुलाव, जो मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया हुआ है। और मटर पुलाव पंजाबी कैसे बनाते हैं नेक्स्ट टाइम मैं फिर से शेयर कर दूंगी। इस वक्त तो मटर की सीज़न चली हुई है तो और भी रेसिपीज मुझे शेयर करनी है आपसे। तो हाँ जी, मैं चल पड़ी हूँ सब्ज़ी लाने के लिए। फ्रूट्स नहीं थे घर में, तो फ्रूट्स तो बहुत ही ज़रूरी चाहिए होते हैं आजकल, तो क्योंकि बहुत फ्रेश फ्रेश फ्रूट आए हुए हैं। तो जैसे कि क्रिसमस आया हुआ है तो यहाँ पे बहुत ही सजाया है हमारी बिल्डिंग में। तो मैं उस टाइम तो हल्का सा दिन था और मैं आते वक्त फिर मेरे पास सामान था तो मैंने शूट नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगी। तो हाँ जी, ये देखिए नीचे और ऊपर रेड़ियाँ, सब मार्केट लगी है। फ्रूट तो इतना ज़्यादा आया हुआ, कस्टर्ड एप्पल, एप्पल, ऑरेंज, किन्नू और साथ में पपाया, ब्लैक ग्रेप्स, बहुत सारा सामान आया हुआ है। तो मैंने यहाँ लिए हैं अनार, एप्पल लिए हैं और कस्टर्ड एप्पल लिए हैं, यानी कि सीताफल। तो ये सब फ्रूट्स लिया है मैंने। और थोड़ी सी सब्ज़ी मुझे दिखी है, वो सब्ज़ी क्या है मैं आपको बताती हूँ चल के घर पे। अभी सामने मैं गई थी मंडी, तो मैं लेके आई हूँ आज साग। सरसों का साग मिल गया है, बहुत हरा हरा है, ये लेके आ रही हूँ मैं। सरसों का साग साथ में डालने के लिए पालक, धनिया, बथुआ, ये सब लेके आई हूँ मैं। अभी बैठ के साफ करूँगी, साग को चढ़ा दूँगी आलू। और फ्रूट में आए हैं अनार, लेके आई हूँ अनार, बहुत ही अच्छे। अनार बहुत ही अच्छे और एप्पल भी, और एप्पल। तो सारे वेजिटेबल को रख के पहले चेंज कर लेती हूँ। चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप साग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज करके आ चुकी हूँ, चेंज कर लिया है। साग को साफ सुथरा कर लूँगी, बाहर चटाई पे लेके जाती हूँ और वहीं पे बैठ के कर लेती हूँ, बर्तन ले लेती हूँ। तो साग कई प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी ब्लॉग डाला है साग का। तो यहाँ पे देसी साग मिलता है जिसमें कि गंदल नहीं होती, बहुत ही बढ़िया साग नहीं था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन मैं साथ में पालक और बथुआ लेके आई हूँ और धनिया का बंच भी। मैं साग में थोड़ा धनिया भी ज़रूर डालती हूँ जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और पालक थोड़ा कम डालती हूँ, बथुआ ज़्यादा। तो साग को साफ़ करना भी कला है। जो आपकी पक्की डंडियाँ हैं, डंडियाँ सारी तोड़ दें और साग की सिर्फ गंदल गंदल रखें। अन नीचे बीच का जो हिस्सा है साग में ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा साग तामझाम उठा के मैं जा रही हूँ हॉल में। तो मेरा किचन वाला ट्राईपॉड भी टूट गया है, इसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। अब साग साफ कर दूँगी, खाना कुछ अभी मुझे भूख नहीं है, पुलाव रखा है ऐसे। तो इसको साफ सफाई करके धो सवार के
तो यहाँ पे पालक साग बथुआ धनिया सब कुछ साफ़ कर लूँगी मैं। सबको अलग अलग रखा है मैंने क्योंकि कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास बथुआ और पालक ज़्यादा है तो इनको मैं रख लूँगी। इसका पराठा या पूरी बन जाएगा एक दो दिन में, क्योंकि जब भी हरी सब्जियाँ आती हैं तो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं और साग दो बंच था तो उसी हिसाब से मैं डालूंगी। क्वांटिटी को बड़ा ध्यान में रखें तभी साग आपका स्वाद बनता है। बहुत ज़्यादा पालक या बथुआ ना डालें, इस हिसाब से मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि साग और पालक की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो पालक बहुत कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे साग मैं लेके आ चुकी हूँ किचन में और साग को मैं वॉश कर लूँगी अभी। तो साग को बड़े खुले बर्तन में फटाफट से 3-4 बार वॉश करूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक मिर्च सबको साफ़ करके साथ में ही लेके आ गई हूँ और साथ में साग चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए वॉश कर लिया है मैंने साग को, पानी फुल भर भर के इसको तरा के और छिड़का के साफ़ करें। जबकि साग मेरा बहुत ही साफ था, साग पालक बथुआ किसी में भी ज़रा भी मिट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इनको बहुत ही अलग अलग करके वॉश किया है। तो साग पे ये ज़रूर ध्यान दें क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर जो बीच में मिट्टी की रख या फिर कुछ कीड़ा वगैरह रह गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हाँ जी, तो साग यहाँ पे धो लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे साग धुल चुका है, थोड़ा निचुड़ भी चुका है, तो अभी मैं इसको साथ साथ में ही कट कर लूँगी। तो मुझे दराती से काटना नहीं आता है, मैं हमेशा नाइफ से ही काट करती हूँ। तो आप भी नाइफ से कट कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा बंच लेके मुट्ठी दबा के फटाफट साग को कट कर लूँगी। देखिए साग को बहुत टाइम तो लग जाता है लेकिन ये जब बन के रेडी होता है तो बहुत ही टेस्टी होता है, और एक दिन दो दिन पुराना साग तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो पूरे साग पालक सबको मैंने कट कर लिया है, अभी चढ़ा देते हैं कुकर में। आज इसको मैं बना रही हूँ कुकर में। तो हाँ जी, यहाँ पे कुकर में मैंने पानी रख दिया है 1 गिलास। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें वरना आपको निकालना पड़ सकता है, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में पहले ही से पानी बहुत होता है। तो गर्म होते ही साथ साथ मैंने डालना शुरू कर दिया है। पानी बॉयल हो रहा हो तो साथ साथ में बैठना भी शुरू हो जाता है क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में पानी बहुत होता है और फटाफट से नरम हो जाती हैं। तो मैंने देखिए कुकर भर गया है और इसको दबा दबा के मैं अंदर कर दूंगी, साथ साथ में ये नरम होता जाएगा। उसके बाद इसी में डाल दूंगी मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो मैंने ऐसे कट करके रखी हुई है। लहसुन मैंने साबुत ही डाले हैं तो इस वजह से ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो हाँ जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग नमक पहले ही डाल देते हैं। नमक पहले ना डालें, साग जल्दी नहीं गलता है। तो हाँ जी, कुकर के विसल में थोड़ा सा तेल डाल दें। साग पक जाएगा और तड़का वगैरह सुबह लगेगा। चलते हैं अंदर, कवालियां सुनते हैं। मेरा स्टैंड टूट गया, बड़ा मुश्किल होता है वो किचन का स्टैंड अलग है। पड़ेगी जानी पड़ेगी। जैसे कि साग चढ़ा के बैठी हूँ, अभी उसकी सीटी 1 आ चुकी है। देखिए अभी आवाज आ रही है ना, ये दूसरी सीटी है। मैंने टाइम देख लिया है, 20-25 मिनट ऐसी सीटी बजेगी, उसके बाद कर दूंगी बंद। और तड़का कल दोपहर में लगेगा जब हम लोग लंच करेंगे। और मक्की का आटा भी नहीं है घर पे, मक्की का नहीं तो फिर ऐसे तो बाजरे का है, बाजरे का भी डाल सकते हैं बेसन भी, लेकिन रोटी तो बाजरे की भी चलेगी। कोई बात नहीं, देखते हैं कल मक्के का आटा मिला तो लेके आ जाऊँगी।
अब सुबह ही मिलूंगी, अभी मैं देख रही हूँ टीवी। इंजॉय करो दोस्तों, गुड नाइट। तो सुबह हो गई है, ये रात को मैंने साग बनाया था, इसका पानी निकाल दिया है। अभी इसको घोटने से इसको थोड़ा गर्म करने के बाद घोटूंगी। तो मक्के का आटा तो है नहीं, तो मैं यहाँ बाजरे का आटा थोड़ा डाल लेती हूँ। यहाँ पे साग पूरी तरह घुट चुका है, देखिए। हाँ जी, साग घुटने के बाद जो पानी हमने छान के रखा था बचा हुआ, उसको मैं डाल रही हूँ इसके बीच में, और उसके बाद इसको पका लेंगे 10-15 मिनट तक। साग को पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कच्चा आटा डाला हुआ है। जो भी डालें, मक्के का, गेहूं का, जो भी आटा डालें, तो पंजाब साइड में मक्के का आटा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि मक्की बहुत होती है, और हरियाणा में पड़ता है बाजरे का। जैसे कि साग को मैंने घोट लिया है और पका भी लिया है पानी डाल के, तो अभी तैयारी कर ली है। मेरा लहसुन वगैरह प्याज सारा कुछ कट किया हुआ है यहाँ पे, तो अभी तड़का मार लेती हूँ। तो साग में घी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है तड़के के लिए, आधा मस्टर्ड ऑयल और आधा मैंने देसी घी लिया है। तो आप पहले तेल में भी तड़का लगा सकते हैं और खाली देसी घी में भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है प्याज, प्याज को पिंक ही करना है, बहुत ही फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा फ्राई करने से कड़वा बना सकता है प्याज में। तो साथ में मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च काट के मैंने डाल दी है यहाँ पे, इसको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपने सारी चीज़ें फ्राई हो जाने के बाद ही तड़का इसमें लगता है। तो हाँ जी, यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसको भून लिया है, तड़के को फ्राई कर लिया है। लहसुन प्याज होने के बाद इसमें डाले हैं कटे हुए टमाटर। टमाटर मैश करके ना डालें, वो टेस्ट नहीं आएगा जो कटे हुए टमाटर का आता है। तो कटे टमाटर एकदम अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, इनका स्वाद एकदम बदल जाता है। तो कटे हुए टमाटर डालें, आप चाहें तो ना भी डालें। बहुत बार मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, तो आज टमाटर मैं डाल रही हूँ इसमें। टमाटर डालने के बाद मैंने डाल दिया है नमक। नमक से बड़ी जल्दी गल जाता है, टमाटर हमें बहुत मैश नहीं करने हैं। यहाँ देखिए टमाटर अपने खड़े हैं लेकिन एकदम फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ना गलाएं। टमाटर फ्राई होते ही मैं डाल लूँगी साग। साग जितना खाना है उतना तड़का मारें, क्योंकि इसमें टमाटर है, तो आधा साग मैंने तड़का मारा है और आधा मैं ऐसे ही रख रही हूँ। तो आप चाहें तो इसमें सीधा साग को गर्म करके और देसी घी डाल के खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तड़का तो अपनी मर्ज़ी से ही लगाएं या ना लगाएं, किसी किसी को तड़के पसंद है, किसी किसी को नहीं पसंद है। पंजाब में पहले साग ऐसे ही खाया जाता था क्योंकि इसमें सब कुछ पहले ही पड़ चुका है, लहसुन अदरक जो भी डालना था वो पहले ही डाल देते हैं, और कुछ लोग तो प्याज भी साथ ही डाल देते हैं, तो और भी मीठा मीठा बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हाँ जी, यहाँ पे साग रेडी हो चुका है, और आप भी साग इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी सर्व करें इसको देसी घी डाल के या मक्खन डाल के, तो फ्रेश मक्खन तो आज नहीं बनाया है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, साग की रेसिपी अच्छी लगे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।